अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ खान एनसीपी मोटर्स यूसुफ आगा और आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ और एक नए एपिसोड के साथ है। दोस्तों गाड़ी का मैक मॉडल वेरिएंट बताने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपको मिले जो डेली बेसिस में अपलोड करता हूं आप लोगों के लिए। अच्छा दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जो गाड़ी लाई है, छोटी गाड़ी लाई है, बड़ी गाड़ी नहीं लाई, छोटी गाड़ी में वो गाड़ी लाई जो कि बिल्कुल इसका जो पेट्रोल जो फ्यूल एवरेज होता है बेहतरीन होता है क्योंकि बहुत ही कम पेट्रोल पीती है। तो आज आप लोगों के लिए जो गाड़ी मैं लाया हूँ, गाड़ी का मैं एक मॉडल आप लोगों को बताता हूँ। आज गाड़ी जो है जापान की मैन्युफैक्चर है, टोयोटा कंपनी की अक्वा। अच्छा अक्वा में कौन सा मॉडल है? अब अक्वा जो है वो तो 2012 मॉडल से स्टार्ट हुई, लेकिन 2012-13 में जो अलग शेप होता है। अब आज आप लोगों के लिए जो मैंने गाड़ी लाई है वो है 2015 मॉडल। अब 2015 मॉडल में क्या हो जाता है, 2015 मॉडल में इसका इंटीरियर हल्का सा चेंज हो जाता है, इसके बैकलाइट जो है वो चेंज हो जाते हैं। आज गाड़ी जो है 2015 मॉडल की एक्वा है, पल वाइट कलर की, बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल जीरो फ्रेश जबरदस्त कंडीशन की गाड़ी। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए जो गाड़ी लाया उसका आप लोगों को मैं एक मॉडल वेरिएंट बताता हूं। चलो आज गाड़ी जो है जापान की मैन्युफैक्चर है, टोयोटा कंपनी की एक्वा। अच्छा एक्वा कौन सा मॉडल है? 12-13 नहीं, आज की एक्वा जो है वो 2015 मॉडल की एक्वा आप लोगों के लिए लाया जो कि पल वाइट कलर की, बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल प्यारी जबरदस्त कंडीशन की गाड़ी। अच्छा गाड़ी का एक एक चीज आप लोगों को अलग अलग बताता हूं। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी में क्या चेंज आ जाता है, 2012-13 में क्या होता है, लेकिन 2015 में क्या चेंज आ जाता है। 2015 में इसमें जो डैशबोर्ड जो है, डैशबोर्ड चेंज हो जाते हैं, बैक लाइट जो है वो दोनों जो बैक लाइट्स आते हैं वो चेंज हो जाते हैं। आज गाड़ी जो है बिल्कुल प्यारी फुल ऑप्शन ये गाड़ी, इसमें मल्टीमीडिया भी है, पुश स्टार्ट ये गाड़ी है, बड़ी साफ सुथरी और खूबसूरत कंडीशन की है। अच्छा इंटीरियर इसका बहुत ही प्यारा डार्क है इसका इंटीरियर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं हमेशा स्टार्ट करता हूं बॉडी के हवाले से आप लोगों को एक एक चीज अलग अलग बताता हूं। तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बॉडी की तरफ चलते हैं, बॉडी का एक एक चीज आप लोगों को दिखाता हूं। चलो गाड़ी का आप लोगों को मैं राउंड व्यू दे देता हूं। गाड़ी गंदी है लेकिन बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश गाड़ी वो अपने आप को बताती है कि यार मैं फ्रेश हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, खैर फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। 2015 मॉडल में जो है ये नया बम्पर आता है और इसमें जो फ्रंट ये फॉग लाइट आते हैं वो बड़े आते हैं। पुराने शेप में ये फ्रंट के जो ये लाइट है वो फॉग लाइट इतने बड़े नहीं आते, वो छोटे आते, लेकिन इसके जो फॉग लाइट से बहुत ही बड़े और बहुत ही प्यारे और इसमें बड़ा ज़बरदस्त बम्पर है। सिंपल इसमें अपने ओरिजिनल व्हील और टायर इसमें डले हुए, बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल स्क्रैचलेस गाड़ी है, ना कोई डेंट है ना कोई पेंट है गाड़ी में, बिल्कुल प्यारे कंडीशन। अच्छा ये बैक लाइट जो है 2015 में ये नए बैक लाइट्स आए हुए, ये जो है बैक लाइट्स इसके नए हैं, बिल्कुल साफ सुथरे कंडीशन में आप गाड़ी देख सकते हैं, बिल्कुल चमक रही है। हालांकि गाड़ी बिल्कुल गंदी है, टोटल गंदी है, कोई स्क्रैच नहीं है। ये चीज़ आपको बता दूँ कि टोटल गाड़ी में कोई एक भी स्क्रैच नहीं। इसका रूफ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चमकीला और बिल्कुल साफ सुथरे कंडीशन में है। पुश स्टार्ट है, फुल ऑप्शन, फुल वाइट कलर की ये गाड़ी है। एक दो पीस टचअप खामखा गाड़ी में होगा, एक दो पीस टचअप जो है वो खामखा गाड़ी में होगा क्योंकि थोड़ी सी चली हुई गाड़ी है, बिल्कुल शोरूम से तो अभी नहीं निकली हुई, थोड़ी सी चली हुई है, बेहतरीन कंडीशन की, साफ़ सुथरी कंडीशन की ये गाड़ी है, फुल वाइट कलर की। टोटल गाड़ी में आप देख सकते हैं ना कोई स्क्रेचेज है, ना कोई यहाँ पे जो है ना कोई डेंट है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों को मैंने बता दी कि वो गाड़ी में कोई एक दो पीस खामखा टचअप होता है क्योंकि थोड़ी चली हुई गाड़ी, बिल्कुल मिसाल ये कि जापान से भी आती जो है वाली एक दो टचअप खामखा आ जाता है। इसमें कोई एक दो टचअप है, एक दो पीस टचअप है, उसके अलावा टोटल अपनी इंजन प्यारे कंडीशन में। अच्छा अब चलते हैं, बॉडी आप लोगों ने देख ली, अब इंटीरियर की तरफ चलते हैं। इंटीरियर आप लोगों को मैंने बताया इसका बड़ा प्यारा खूबसूरत डार्क कलर का इसका इंटीरियर। अब डार्क कलर क्या, एक तो ये आप देख रहे हो जो सीट्स वगैरह है इसके दरवाजे हैं हल्के से गंदे, आप देख सकते हैं हल्का सा जो है इसके सीट्स दरवाजे हल्के से गंदे, सफाई चाहिए। और दूसरा कलर जो है ये ब्लू आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर और ब्लैक कलर की मैचिंग है, चाहे इसका सीट्स हो, चाहे इसका डैशबोर्ड, चाहे इसका दरवाजे हो, टोटली गाड़ी जो है ब्लैक और ब्लू कलर का इसमें मैचिंग है। अब इसका रूफ जो है वो सिल्वर कलर आप देख सकते हैं, टोटल इसका जो रूफ है वो सिल्वर कलर का है, बाकी टोटल गाड़ी ब्लैक और डार्क ब्लू कलर की, हल्का सा जो सिल्वर इसके स्टेयरिंग में यूज हुआ है। आप लोगों को मैं इंटीरियर एक एक चीज अलग अलग दिखाता हुआ चलू। अच्छा सबसे पहले जैसे कि हमेशा मैं आप लोगों को दरवाजे से स्टार्ट करता हूँ, इस दरवाजे से आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ, एक एक चीज अलग अलग बताता हूँ। तो यही दरवाजे से स्टार्ट करते, अच्छा आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे लेदर यूज हुआ है, यहाँ पे लेदर यूज हुआ है, बाकी टोटल गाड़ी जो है यहाँ पे प्लास्टिक यूज हुआ है, यहाँ पे जो है ना लेदर यूज है, इसके जो हैंडल है यहाँ पे लेदर यूज हुआ है, ब्लैक कलर के टोटल ब्लैक कलर के, हल्का से जो है ना ब्लू कलर का यहाँ पे प्लास्टिक शेड यहाँ पे गुजरा हुआ है। अब डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं, डैशबोर्ड आप लोगों को मैंने बताया कि गाड़ी का इंटीरियर जो है उसमें दो कलर है। डैशबोर्ड आप देख सकते हैं ऊपर से टोटली ये ब्लैक कलर है, टोटली ये ब्लैक कलर है। अब यहाँ से जो है ये ये डार्क ब्लू कलर का, आप देख सकते हैं ये भी जो है कोई जो लेदर वगैरह नहीं है, प्लास्टिक है, ये आप देख सकते हैं जो कि ये ब्लू कलर का, और
यहाँ पे ये ब्लैक कलर के, बाकी नीचे नीचे से भी जो है ना टोटल जो है वो गाड़ी जो है ब्लैक कलर का डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, निचला हिस्सा जो है ना गाड़ी का वो टोटली ब्लैक कलर है। अब या इसमें जो है 2015 में जो नया चेंज आया हुआ है उसका जो ये डैशबोर्ड यहाँ पे हल्का सा चेंज है, जो कि आप देख सकते हैं पुरानी शेप में ये स्ट्रेट आता है, उसमें उसका डैशबोर्ड जो हल्का सा चेंज होता है, लेकिन ये नया शेप में जो है फिर इसका जो डैशबोर्ड है वो इस तरह आ जाता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्यारा और साफ सुथरे कंडीशन में है। इसके स्टेयरिंग में मल्टीमीडिया है और सिंपल सादा हल्का सा जो है ना इसमें सिल्वर यूज हुआ है, बाकी टोटल गाड़ी में कोई सिल्वर इसके अलावा नहीं। अब रूफ जो है वो तो बड़ी बात है, रूफ टोटल सिल्वर कलर की है, मल्टीमीडिया है, पुश स्टार्ट है, बिल्कुल साफ सुथरी और प्यारे कंडीशन में है। अगला दरवाजा भी आप देख सकते हैं जो कि बिल्कुल ओके और बिल्कुल साफ सुथरे कंडीशन में पड़ा हुआ है। हल्की सी गाड़ी गंदी हुई, जबरदस्त सफाई चाहिए लेकिन गाड़ी बिल्कुल फ्रेश है। अच्छा, इसमें जबरदस्त बड़ी एंड्रॉयड एलसीडी इसमें एलसीडी लगी हुई जो कि बिल्कुल साफ सुथरी और वर्किंग में है। इसका एसी कंट्रोल आप यहां से, एसी कंट्रोल जो है आप यहां से कर सकते हैं। इसकी कुछ ये बटन है जो कि जिसे आप एसी कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल प्यारे और जबरदस्त कंडीशन में ऑटोमेटिक गाड़ी आती है ये, क्योंकि ये जो मैनुअल तो खैर एक्वा में अभी तक ना ही है ना है, ऑटोमेटिक गाड़ी आती है। इसके सीट जो आप देख सकते हैं लेदर के सीट्स नहीं, इसके कपड़े के सीट्स आते हैं ब्लू ब्लैक कलर के, इसमें मैचिंग है जो कि बिल्कुल साफ सुथरे बिल्कुल साबित पड़े हुए, कोई पट्टे वगैरह नहीं है, कोई बिल्कुल साबित कंडीशन में है। बैक सीट भी आप देख सकते हैं जो कि बिल्कुल ओके और साबित कंडीशन में पड़ा। अच्छा, रूफ जो है इसका बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है, फ्रेश गाड़ी का जो है रूफ फ्रेश ही होता है। आप देख सकते हैं इसका जो रूफ है वो बिल्कुल साफ सुथरा और फ्रेश पड़ा हुआ है। गाड़ी की बॉडी आप लोगों ने देख ली है, इंटीरियर देख ली है, अब चले इंजन की तरफ। अच्छा, एक्वा में सबसे बड़ी बात यह है कि एक्वा प्रियस वगैरह जो है, एक्वा होगी प्रियस होगी, इसमें कोई सादी है नहीं, इसमें सिर्फ हाइब्रिड ही आती है, चाहे प्रियस हो चाहे एक्वा हो, इसमें कोई जो हाइब्रिड बगैर हाइब्रिड की नहीं आती है, हाइब्रिड ही आती है। तो आज की गाड़ी भी जो है हाइब्रिड है और इसमें सबसे बड़े दो चीजें आती है हाइब्रिड गाड़ी में, ये दो चीजें बहुत अहम और बहुत जरूरी होती है। पहला कौन सा है, इसमें हाइब्रिड बैटरी इसकी जो आती है, हाइब्रिड इसकी जो बैटरी आती है वो बहुत ही अहम होती है कि वो ठीक हो, 24 सेल इसकी बैटरी में आते हैं वो ठीक हो। इसमें एबीएस आता है, इसका जो ब्रेक सिस्टम है बहुत जल्दी खराब होता है क्योंकि रफ इस्तेमाल करने से खराब हो जाता है। वैसे तो मिसाल जो गाड़ी इस गाड़ी का सही होता है वो दोबारा खराब नहीं होता है। तो इस गाड़ी में जो है इंजन की तरफ में आ रहा था, तो इंजन में जो है ना ये चीजें बहुत अहम आप लोगों को बताता हूँ, जो हाइब्रिड बैटरी है और इसका एबीएस 100% ओके है, 100% ओके और बिल्कुल ओके। जब भी आप गाड़ी लेंगे तो जब भी कोई भी आप हाइब्रिड गाड़ी लो तो जरूरी आप लोगों ने हाइब्रिड बैटरी और इसका एबीएस जरूर चेक करना है। अच्छा, इसमें जो है इंजन 1500 सीसी इसमें इंजन आती है, इक्वा में जो है 1500 सीसी आती है, लेकिन प्रियस में 1800 सीसी आती है। इसमें 1500 सीसी में इंजन आती है, बिल्कुल प्यारे और बहुत ही फ्रेश कंडीशन की इसमें इंजन है, कोई भी काम नहीं है, ना इसके इंजन में काम है, ना हाइब्रिड में काम है, ना एबीएस में काम है, ना इसके गियर में काम है, बात खत्म होगी तो बिल्कुल जीरो कंडीशन की जबरदस्त कंडीशन की गाड़ी होगी। तो गाड़ी आप लोगों को मैं इसका इंजन और इंजन रूम दिखाता हुआ चलूं, इंजन का आप लोगों को बताता हुआ चलूं। इंजन आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसका इंजन रूम आप देख ले, बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल साफ सुथरे कंडीशन में पड़ा हुआ है। इसमें जो ऑयल वगैरह पड़ा हुआ है वो अभी तक इसका जो है वो अभी तक जो है इसका बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ है, जो कि जापान में ऑयल वगैरह इसमें डलवाया गया है वही पड़ा हुआ है इसमें। इंजन आप लोगों को एक एक चीज दिखाता हुआ चलो, इसका इंजन जो है कोई हाथ वगैरह इसको नहीं लगी हुई, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में है। एक एक इसमें जो टैग्स वगैरह लगे हुए हैं वो बिल्कुल, इसके जो टैग्स हैं वो बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ओके हाइब्रिड गाड़ी, हाइब्रिड इंजन है जो कि बिल्कुल ओके कंडीशन में है। गाड़ी आप लोगों ने देख ली, उम्मीद है आप लोगों को गाड़ी पसंद है। अब चलते हैं कि क्या गाड़ी की प्राइस भी आप लोगों को बताता हुआ चलो, कि आप लोगों को प्राइस भी समझ में आ जाए। तो आज की गाड़ी जो है, पहले तो सबसे बड़ी बात है इसमें रूफ कट या पंच जो कि टेम्पर्ड कहते हैं, क्या ये गाड़ी रूफ कट तो नहीं है, क्या ये गाड़ी टेम्पर्ड तो नहीं है। तो बड़ी बात ये बताता हुआ चलो कि हाइब्रिड गाड़ी जो है वो रूफ कट नहीं आती है, चाहे प्रियस हो चाहे कोई, इसमें कोई रूफ कट नहीं आई है, शायद ना आए। हाइब्रिड गाड़ियों में जो रूफ कट नहीं आते फिर उसका टोटल सिस्टम जो है वो खराब हो जाएगा। दूसरी बात, जो इसमें जो टेम्पर्ड वाला सिस्टम है, जो पंच, आज की गाड़ी जो है ना टेम्पर्ड कोई पंच वगैरह नहीं है, अपने जीनियन या कंडीशन में है, अपने जीनियन कंडीशन में कोई पंच वगैरह नहीं हुई, अपनी जीनियन कंडीशन में इसका ओरिजिनल नंबर जो जापान से आया वो बिल्कुल उसी हालत में है, कोई उसके साथ छेड़छाड़ी नहीं हुई है, रूफ कट नहीं है। तो प्राइस की तरफ चलते हैं, एप्पल व्हाइट कलर की गाड़ी है, 2015 मॉडल की एक्वा है, जापान की मैन्युफैक्चर है, पुश स्टार्ट है, मल्टी मीडिया वगैरह सब कुछ इसमें, बिल्कुल प्यारे और जबरदस्त कंडीशन की गाड़ी है। गाड़ी का प्राइस आप लोगों को बताता हुआ चलो, आज की ये गाड़ी आप लोगों को मिलेगी 15 लाख रुपए में, जो कि नॉन कस्टम पेड, आप लोगों को मिलेगी 15 लाख रुपए में जो कि नॉन कस्टम पेड। अगर ये कस्टम पेड होती तो इसका प्राइस कम से कम 35 से 40 लाख के दरमियान इसका प्राइस होता, 35 से 40 लाख रुपए इस गाड़ी का प्राइस का प्राइस होता अगर ओरिजिनल होती, कस्टम पेड होती। लेकिन ये नॉन कस्टम पेड मेरी गाड़ी, आप लोगों को मैंने बताया अक्सर मेरी गाड़ी जो है वो नॉन कस्टम पेड होती, एक दो मैंने मुश्किल से कोई कस्टम पेड लाई होगी वो आप लोगों को मैंने बताया। तो आज की यह गाड़ी
गाड़ी जो है ये मिलान कस्टम पेड ही आप लोगों को मिलेगी 15 लाख रुपए में, जो कि 2015 मॉडल की ही बिल्कुल फ्रेश और जबरदस्त कंडीशन की गाड़ी है। गाड़ी आपको कहाँ पे मिलेगी? मेरे शोरूम पे। मेरे शोरूम कहाँ पे? क्वेटा में। क्वेटा में आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, जिस भी बाइक को आना है मोस्ट वेलकम, वो आप आ सकते हैं। कॉन्टेक्ट करने के लिए आपको बिल्कुल कॉर्नर पे जो है ना, बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप मेरे साथ वहीं पे कॉन्टेक्ट कर ले। आप लोगों को एक एक चीज मैं अलग बता दूंगा, डिलीवरी का क्या प्रोसीजर है वो बता दूंगा, पेमेंट का क्या तरीका कार है वो बता दूंगा, और उम्मीद है आप लोगों को गाड़ी पसंद आएगी, गाड़ी की वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों जिस भी बाइक को गाड़ी चाहिए तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो साथ ही साथ अपने बाइक को इजाजत दीजिए और मुझे दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।